और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें उड़ीसा से, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं R9 भारत टीवी स्क्रीन पर, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री क्योंझर से विधायक मोहन चरण मांझी होंगे। जी हां, या बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, विधायक मोहन चरण मांझी उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री। 4 बार एक ही विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले मांझी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें उड़ीसा का 15वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज ही सीएम के चयन के लिए भाजपा आलाकमान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त कर भेजा था और कुछ ही देर पहले अभी ऐलान हुआ है उड़ीसा के एक नए मुख्यमंत्री के रूप में क्योंझर से विधायक मोहन चरण मांझी हैं। पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटों में जीत दर्ज करी है और उन्होंने बीजू जनता दल की मीना मांझी को 11,577 मतों से शिकस्त दी थी और अब मोहन चरण मांझी उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कल यानी बुधवार को मोहन मांझी शपथ लेंगे और इसके साथ ही राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में केवी सिंह देव और प्रवती परिदा भी शपथ लेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं R9 भारत टीवी स्क्रीन पर। और इतना ही नहीं, जैसे ही यह खबर सामने आई है घोषणा होने के बाद केंदुझर जिला समेत पूरे उड़ीसा में खुशी की लहर है। उड़ीसा के क्योंझर सदर में 4 बार विधायक रहे मोहन चरण मांझी के मुख्यमंत्री बनते ही भयंकर आतिशबाजी देखने को मिली है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो क्या लगता है कि आज जब केंदुझर जिला के जो सदर विधायक है उनको सीएम के रूप में चुना गया है, तो क्या लगता है, क्या शुभ संदेश होगा यह केंदुझर जिला के लिए? बिल्कुल खुशी का तो हम बोल नहीं सकते, इतना खुश है क्योंकि हम लोग का जो मांगे थी जो सालों से पूरा नहीं हो पा रहा था ना, वो अभी पूरा हो जाएगा ये विश्वास है। क्योंकि यहाँ का लोग जो पिछला 25 साल से सिर्फ शोषित हो रहे, सिर्फ शोषण का शिकार हो रहे, यहाँ का पैसा जा रहा था और वहाँ का सरकार चल रहा था, अभी हम लोग का आदमी आया है, हम लोग का लड़ुआ नेता, हम लोग का जो केंदुझर का मोहन भाई जिसको सीएम चुना गया, उसके बाद हम लोग का मांगे और मांगे नहीं रहा, वो अपने आप पूरा होगा। यहाँ का लोगों जो लोग जो खनिज क्षेत्र के ऊपर बैठते हैं उनका जो दुर्दशा थी वो अभी सब ठीक होगा, ये हम लोग का विश्वास है, आशा है, भरोसा भी है। हम लोग का अभी बीजेपी की तरफ से जो सीएम चुना गया ये हम लोग के लिए खाली नहीं, पूरा जिला के लिए अच्छा है। हम लोग को मजबूत किया, जोड़ा किया, पूरा केंदुझर जिला का जो विकास होगा, जो केंदुझर जिला पिछले दिनों से शोषण का शिकार होता अभी पूरा पूरी तरह विकसित होगा और इसका विकास इतना होगा कि ये अगले टाइम में राजधानी जैसा रहेगा, ये हम लोग का विश्वास। धन्यवाद सर। आज हमारा केंदुझर जिला के सदर विधायक को जो चुना गया है सीएम के रूप में, उड़ीसा के नए सीएम के रूप में, तो क्या लगता है केंदुझर जिला के लिए क्या शुभ संदेश है? ये पूरा इनको रग-रग से ये वाकिफ है, ये लड़ रहे थे, ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे मोहन मांझी, इनको एक एक चीज मालूम है कि सरकार की कहां खामियां थी और लोगों को क्या चाहिए। इन्होंने संघर्ष किया इतने सालों का, तो आने वाले समय में लोगों को क्या चाहिए और जो प्रगति रुकी हुई थी, DMF का पैसा जो मोदी जी ने यहाँ दिया था वो लेके और कहीं लगा रहे थे, जो मैनिपुलेट हुआ है वो सब दुर्नीति ये जानते थे और इसके चलते वो लड़ाई की है और आज सीएम बने। आने वाले समय आप देखिएगा सारा काम होगा और वो काम होगा जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, ये जमीन से उठे हुए नेता है। धन्यवाद सर। आज जो केंदुझर विधायक है उनको सीएम पद के लिए चुना गया है तो कितना खुशी है और क्या बोलेंगे उसके बारे में? देखिए पहले बात, केंदुझर माटी को एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन भाई को मिला है दायित्व, तो इसलिए मोहन भाई को अभिनंदन के साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्र नेतृत्व और राज्य प्रदेश के जितने भी नेतृत्व है सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूँ एवं अभिनंदन देता हूँ
पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, जनसाधारण को और केवंझर माटी को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। केवंझर के सभी मतदाताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन समर्थन किया और बहुत देर से हो सही, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में केवंझर माटी को मोहन भाई के रूप में मिला है, ये हम सब के लिए गर्व की विषय है और खुशी की बात है। देखा जा रहा था कि पिछला सरकार में जो बड़बिलवासी है, बहुत सारे जो अपने मौलिक सुविधा है, जैसे आपका और भी जो बहुत सारे जो डिमांड थे, जो बड़बिल से बांसपानी रेल लिंक और जैसे जो बाईपास रोड और ओवरब्रिज जो भी है, जो भी डिमांड था वो पूरा नहीं हो सका था और बार बार मांग करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका था। तो क्या लगता है कि केवंझर जिला का जो बड़बिल शहर है और केवंझर जिला के लिए ये क्या शुभ संदेश है? देखिए, निश्चित रूप से ये जिला परिचय देता है पूरे देश को और प्रदेश को, यहीं से खनिज बहुल जिला है और यहीं से पूरा रॉयल्टी मिलता है राज्य को भी, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था पिछले दिनों उतना विकास नहीं हो पाया है। आज भी बहुत सारा समस्या है, रोड नहीं है गांव में, आज भी गांव के आदिवासी लोग स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं है, ये जितना भी समस्या है। आज मोहन भाई और भाजपा का सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री के रूप में केवंझर का विकास बहुत त्वरित रूप से होगा और अवश्य होगा, ये विश्वास के साथ में आप सबको अभिनंदन देते हैं कि फिर से केवंझर माटी और ये माँ तारिणी का माटी है और जहाँ पर माँ तारिणी ने सबको आशीर्वाद दिए हैं और आज किसी का विषय है माँ तारिणी के आशीर्वाद से, ये भाजपा का जो आने वाला 5 साल केवंझर माटी के लिए विकास भरपूर होगा, यही विश्वास के साथ में आप सबको अभिनंदन। धन्यवाद।